आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। मेरे हाथ में है राष्ट्रीय ऐसा मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 का गाइड। परीक्षा जो सत्र होता है 2021-22, तो 22 में जो एग्ज़ाम होगा मेघा छात्रवृत्ति का यानी NMS परीक्षा का, तो उसकी जो तैयारी मैं करवा रहा हूँ तो उसी के लिए यह वीडियो है, जिसमें हम बताएंगे आपको। आपको भी अगर तैयारी करना है मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा का, अगर कर रहे हैं तो यह गाइड खरीद लीजिएगा, यह बेहतर गाइड है और इससे मैं ही तैयारी करवा रहा हूँ। तो आपके पास ये गाइड होगा तो बेहतर होगा तैयारी करने में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर रीजनिंग ट्रिक। जो रीजनिंग पूछा जाता है मैट के अंतर्गत, तो उसमें कैलेंडर से भी रीजनिंग पूछा जाता है, तो इसको कैसे बनाना है ट्रिक से। आप किताब में भी दिया रहता है, लेकिन किताब में जो दिया है वो थोड़ा कठिन है, तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, और मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना। तो इस कैलेंडर से जो रीजनिंग पूछा जाता है वो चार प्रकार से पूछा जाता है, चार टाइप का इसमें रीजनिंग होगा। पहला होगा दिनों का अंतर, दूसरा है माह का अंतर, तीसरा है वर्ष का अंतर, और चौथा जो है यह सम्मिलित रूप से पूछा जाएगा, दिन माह एवं वर्ष का सम्मिलित अंतर। तो कुल हो गया चार प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, तो मैं चारों टाइप इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कैलेंडर रीजनिंग से जब भी सवाल पूछा जाएगा परीक्षा में तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको ये कोड याद कर लेना है। ये कोड क्या है, ये सीरियली है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार 7। तो ये सीरियली है, और रविवार में 2 हो जाएगा, 0 और 7, तो चाहे 0 हो 7 हो तो ये रविवार हो गया। तो ये दिनों का कोड हो गया, ये आपको याद रखना है, और ये सीरियली है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है महीना का कोड। तो महीना का कोड क्या है कि जनवरी का 3, फरवरी का 0 या 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का 3। अब ये कोड कहाँ से आता है थोड़ा इसको जान लेते हैं। देखिए, जनवरी का कोड हमने 3 क्यों लिखा है, आप जानते हैं जनवरी महीना में 31 दिन होता है, 31 में हमको भाग देना है 7 से। 7 से ही भाग क्यों देंगे, क्योंकि एक सप्ताह बराबर होता है 7 दिन, यानी दिन कितना होता है टोटल, 7 ही तो दिन होगा ना, सोमवार से रविवार तक इतना ही तो दिन होता है, तो 7 दिन होता है, तो इसलिए 7 से इसमें भाग देते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो 7 चूँकि कितना हो जाता है 28, और इसको जब घटाते हैं तो कितना बच जाएगा 3, तो 3 शेष बचता है, इसीलिए जनवरी का कोड हो गया 3। तो इसी तरह से सभी महीना में जितना दिन होता है उसमें 7 से भाग देना है, और 7 से भाग दे करके जो शेष बचता है वही हमारा कोड कहलाता है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस महीना में कितना दिन होता है। अगर उतना याद नहीं भी रखें ना तो हम बस ये कोड याद रख लें, और ये हमारा सवाल सारा कैलेंडर से जितना भी सवाल पूछा जाएगा बन सकता है। तो इसको याद रखने के लिए किस महीना में कितना दिन होता है आप इसका भी सहारा ले सकते हैं, यहाँ जो आपका हाथ है इसी में सब महीना का जो है दिया हुआ। अब कहेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको जनवरी मान लीजिए, तो ये ऊपर वाला जो ऊपर रहेगा वो 31 दिन का होता है और नीचे वाला 30 दिन का। तो देखिए ये हो गया जनवरी, जनवरी कितना दिन का हो गया 31 दिन का। ये ज़्यादा गड्ढा है तो ये हो गया फरवरी, ये कितना का होगा 28 या 29 दिन का होगा। 28 दिन सामान्य वर्ष में होगा और 29 दिन का होगा लीप वर्ष में होगा। लीप वर्ष क्या होता है, प्रत्येक 4 साल पर लीप ईयर आता है, उसके बारे में भी बताएंगे कि लीप ईयर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो ये हो गया फरवरी 28 या 29 दिन का, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब फिर जो है यहीं से यहाँ से शुरू कर देना है। तो ये हो जाएगा अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो आप इसको देख करके याद रख सकते हैं कि किस महीना में कितना दिन होता है। तो चलिए ये तो हो गया महीना किस महीना में कितना दिन होता है, तो वहीं से ये कोड लिया गया है। अब यहाँ फरवरी में देखिए 2 कोड लिया गया है, इसका क्या मतलब है, तो फरवरी अगर सामान्य वर्ष के लिए रहेगा तो उसमें कोड 0 होगा, और लीप ईयर होगा तो उसमें कोड 1 होगा। अब यहाँ पे ये समझना है कि सामान्य वर्ष कौन है और लीप वर्ष कौन है, चलिए देखते हैं।
हम लोग जानते हैं एक साल में कितना दिन होता है, एक साल बराबर होता है 365 दिन, एक साल बराबर 365 दिन होता है। लेकिन ये अधूरी जानकारी, एक साल बराबर 365 दिन नहीं, एक साल बराबर तो 365 दिन 6 घंटा होता है। तो हम लोग साधारणतः यही प्रयोग करते हैं कि एक साल बराबर 365 दिन और 6 घंटा को छोड़ देते हैं। तो होता है क्या है दोस्तों कि 6-6 घंटा जो छोड़ते आते हैं सब वर्ष में, तो ये 6-6 घंटा मिलके 4 साल में हो जाता है 24 घंटा, और 24 घंटा बराबर एक दिन हो जाता है। तो इसीलिए प्रत्येक 4 साल में क्या करता है, जो एक दिन जोड़ दिया जाता है, क्योंकि 24 घंटा निकलता है एक दिन के बराबर हो गया, तो इसीलिए प्रत्येक 4 साल में एक साल को लीप ईयर माना जाता है और उसमें फरवरी हो जाता है 29 दिन का। तो वो हो गया, जिस साल में 366 दिन होगा वो होगा लीप ईयर, और जो 365 दिन वाला साल होगा वो हो गया सामान्य वर्ष। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई साल लीप ईयर है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए 2003 ईस्वी है, अब हमसे पूछा जा रहा है, इस तरह का भी परीक्षा में पूछता है कि इसमें से कौन लीप ईयर है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए, नहीं तो आपको कैलेंडर रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, आप जानते हुए मिस्टेक कर सकते हैं। तो जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए, जिस वर्ष में 4 से पूरा भाग लग जाए, तो वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। अब 4 से भाग लगने का मतलब है कि इसमें आप पूरा भाग देंगे तो समय लग जाएगा, तो 4 से विभाज्यता का नियम का उपयोग करेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या में, यानी कह सकते हैं अंतिम के दो अंक में, इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या में अगर 4 से भाग लग जाता है तो वह पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाता है। ये हुआ 4 से विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 से अगर हम 3 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, शेष बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2003 में भी 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा, और इसका अर्थ ये हुआ कि 2003 जो है लीप वर्ष नहीं है, और जब ये लीप वर्ष नहीं है तो क्या है, सामान्य वर्ष है। अगर 2004 रहता तो कट जाता, तो इसका मतलब 2004 क्या है, लीप वर्ष है। तो एक चीज़ तो ये हो गया। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष हुआ तो, जैसे कि 1900 ईस्वी पूरा 2000 रहेगा, पूरा 2100, इस तरह का जो 1800 ईस्वी, ये इसको कहते हैं शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष अगर हुआ तो इसमें थोड़ा सा नियम बदल जाता है इसको लीप ईयर पहचानने में। तो इसमें भाग देना है 400 से, याद रख लीजिए, शताब्दी वर्ष में अगर 400 से भाग लगेगा, पूरा कट जाएगा, तब वो लीप वर्ष होता है, और बाकी सब में 4 से भाग देना है। तो ये 00 कटता भाग देते तो 4 से 18 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है कि 1800 ईस्वी जो है लीप वर्ष नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देना है और बाकी वर्ष में 4 से। तो समझ गए लीप वर्ष क्या होता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो कैलेंडर से कितने प्रकार का रीजनिंग पूछा जाएगा, कुल 4 प्रकार का, चारों प्रकार का जो है रीजनिंग हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए तब समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कि पहला, देखते हैं ये पहला टाइप का बता रहे हैं, अभी 3 सवाल ले रहे हैं हम, और ये तीनों सवाल पहला टाइप का, हम कैसे पहचानेंगे किस टाइप का है, चलिए देखते हैं। सवाल है, किसी माह के 12 तारीख को सोमवार है तो उसी माह के 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, उसी माह के बार, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, 12 तारीख को सोमवार है, उसी माह के 23 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 12 तारीख को सोमवार है तो 23 तारीख को कौन दिन होगा, और किस में पूछा जा रहा है, उसी माह में। इसका मतलब अगर एक ही महीना के अंदर में से पूछा जाएगा तो वो पहला टाइप है, तब उसमें हम दिनों का अंतर इस तरह से हम उसको बनाएंगे। तो ये पहला टाइप है। अब देखिए ये भी पहला टाइप में है क्या, अब कहता है 4 तारीख को मंगलवार है, उसी माह के 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो ये भी पहला टाइप से आता है। किसी माह के 27 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह के 11 तारीख, उसी माह के, इसका मतलब क्या है, उसी महीना से पूछ रहा है तो उसी महीना से पूछेगा, तो ये पहला टाइप है। तो पहला टाइप के सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका देखिए क्या है, सबसे पहले क्या करना है, जो तारीख दिया रहेगा ना, जो तारीख दिया रहेगा उसमें से जो बड़ा रहेगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा लेना है। जैसे यहाँ 23 है और 12 है, तो 23 में से घटा लेंगे हम 12 को। आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको घटा के बता रहा हूँ। तो 23 में से अगर 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा,
11 बचेगा, जो भी संख्या बचेगा घटा करके उसमें 7 से भाग देना है। तो 11 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा, 7 एकम 7, तो शेष क्या बच जाएगा, 4। ठीक है, तो जो शेष बचेगा अब देखिए क्या करना, इतना काम कर लेने के बाद जो बड़ा रहेगा उसमें छोटा वाला को घटा लेने के बाद 7 से भाग देना है, 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसमें क्या करना, ये मौखिक ही बन जाएगा लेकिन मैं समझाने के लिए जो है आपको एक बार करके दिखाता हूँ, अगला सवाल मौखिक बनाएंगे। तो शेष बचा 4। अब देखिए 12 तारीख का दिन दिया हुआ था, 23 तारीख का पूछ रहा है, तो आगे का पूछ रहा है, 12 का दिया था 23 का पूछ रहा है, इसका मतलब आगे का पूछ रहा है, तो आगे का पूछा है तो जोड़ेंगे, अब पीछे का पूछेगा तो घटाएंगे, तो यहाँ आगे का पूछ रहा है तो जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे किसको, ये देखिए जो दिन दिया रहेगा उसका कोड जोड़ेंगे, तो सोमवार दिया है तो सोमवार का कोड को जोड़ेंगे, यहाँ देख सकते हैं सोमवार का कोड 1 है, तो जो दिन दिया रहेगा उसका कोड को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कब, जब आगे का पूछेगा, घटाएंगे कब, जब पीछे का पूछेगा, तो 4 1 कितना हो गया, 5, और 5 किसका कोड है, शुक्रवार का, शुक्रवार का कोड होता है 5, इसका मतलब इसका सही आंसर है शुक्रवार। बस इतना ही काम करना है पहला टाइप में, उसी माह के अंतर में से सवाल पूछेगा, कुछ नहीं करना है, तारीख में से तारीख को घटाना है, 23 में से 12 गया 11, 11 में 7 से भाग देंगे 4, आगे का पूछा है तो 4, आज दिन दिया है सोमवार तो सोमवार का कोड को जोड़ेंगे, 4 1 5 5 मतलब शुक्रवार हो गया। तो इस तरह से बनाएंगे। दूसरा सवाल लेते हैं, आसानी समझ में आएगा। देखिए अब हम घटाएंगे नहीं, सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए यह पहले ही बता दिए हैं, ये तीनों सवाल जो है पहला टाइप में से है। तो यह 4 तारीख दिया हुआ, 19 तारीख दिया हुआ, तो क्या करना है, बड़ा वाला हमसे छोटा वाला घटाना है, तो 19 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा, अब 15 में हम 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। आगे का पूछा ना, 4 तारीख का दिया हुआ था, 19 तारीख का पूछ रहा है, मतलब आगे का पूछ रहा है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे किसको, दिन के कोड का, मंगलवार है, मंगलवार का कोड क्या होता है, 2, मंगलवार का कोड क्या होता है, 2, 2 1 कितना हो गया, 3, 3 मतलब क्या होता है, 3 मतलब बुधवार, 3 मतलब बुधवार, आपको दिन का कोड याद रहना चाहिए, महीना का कोड याद रहना चाहिए, आसानी से बनेगा, बन गया, कितना आसान है। अगला सवाल लेते हैं, कहता है यदि किसी माह के 27 तारीख को शुक्रवार है तो उसी माह के 11 तारीख को, यहाँ 27 है 11 है, तो 27 में से 11 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 16 बच जाएगा, अगर 16 में हम 7 से भाग देते हैं तो क्या बच जाएगा, 2, शेष का काम है यहाँ पर भाग। चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रकार के प्रश्न को, इसमें क्या होता है कि महीना का अंतर में से पूछेगा, जो दूसरे टाइप का था, 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे, तो 5 जून को, अब देखिए अप्रैल इधर है जून, तो इसका मतलब महीना का अंतर में से आ गया, इससे पहला जो टाइप बताए थे दिन का अंतर था, तो इसमें महीना का अंतर, इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ गुड फ्राइडे दिया है, गुड फ्राइडे का मतलब आप फ्राइडे मतलब समझ सकते हैं, फ्राइडे मतलब होता है शुक्रवार, तो यहाँ दिन नहीं दे करके गुड फ्राइडे दे दिया, जो ईसाई का एक पर्व होता है, तो फ्राइडे शुक्रवार, तो 10 अप्रैल इधर 5 जून को कौन सा दिन होगा ये पूछा है, तो देखिए क्या करना है, सब महीना का कोड लेना है, 10 अप्रैल है तो इसका मतलब है 10 अप्रैल से हम आगे जा रहे हैं क्योंकि 5 जून का पूछा है, तो 10 अप्रैल के बाद की गिनती करेंगे, अगर पूरा अप्रैल तो यहाँ लिया नहीं है, पूरा अप्रैल लेता तो अप्रैल का सीधा कोड लिख लेते, लेकिन पूरा अप्रैल नहीं लिया है तो हम अप्रैल का कोड बनाएंगे, बनाएंगे कैसे, देखिए अभी बताए थे हम अप्रैल महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है, यहाँ बता दिए थे महीना में कितना दिन होता है, तो अप्रैल महीना में 30 दिन, तो 30 में से हम 10 को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास कितना बचता है अब अप्रैल महीना में, 20 दिन बचा क्योंकि 10 तारीख से आगे जा रहे हैं, 20 में भाग देंगे 7 से, तो 7 3 21 और 7 2 क्या लगेगा, 14, ये आप मौखिक भी कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं बना के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए कि कहाँ से लिया गया, तो ये बच जाएगा 6, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ये कोड होगा अप्रैल का यहाँ पे 6, कोड बनाना कब है, वैसे ऑलरेडी बना हुआ कोड, लेकिन बनाना तब है जब वो पूरा महीना नहीं रहेगा, तो करना क्या है देखिए, तो 10 अप्रैल से आगे जा रहे हैं तो अप्रैल महीना में तो 10 दिन बीत चुका है, तो बाकी बचा 20 दिन, तो 20 में से 20 दिन बचा,
तो 20 में 7 से भाग देना, जो दिन बचेगा उसमें 7 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो हो गया कोड। तो अप्रैल का कोड कितना निकला था? 6 भाग दिए तो शेष कितना बचा था? 6। अब अप्रैल के बीच में क्या आएगा? मई आएगा और तब न जून आएगा, तो मई पूरा महीना है बीच में, तो पूरा महीना तो उसका सीधा लेंगे कोड। मई का कोड क्या होता है? 3। तो मई के लिए लेंगे हम 3। अब जून पूरा नहीं है क्योंकि 5 तारीख को का दिन पूछता है, तो 5 तारीख तक ही लेना है, तो 5 तारीख सीधा सीधा हम ले लेंगे। 5 तारीख तक पूछा, 5 दिन हुआ जून का। अभी टोटल जितना हुआ उसमें हम भाग देंगे 7 से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 6 3 9 और 9 5 हो गया 14, और 14 में हम भाग देंगे 7 से, तो शेष क्या बचेगा हमारा? 0। शेष क्या बचेगा? 0। अब क्या करना है देखिए, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? आगे का दिन पूछा गया ना, 10 अप्रैल का दिया था, 5 जून का पूछा गया, तो आगे का पूछा जाएगा तो बताए थे जोड़ना है। तो दिन का कोड कितना है? दिन क्या था? फ्राइडे। फ्राइडे मीन्स क्या होता है? शुक्रवार। शुक्रवार का कोड कितना है? 5। और चूँकि आगे का पूछा है तो दिन के कोड में इसको जोड़ेंगे, अब पीछे का पूछेगा तो दिन के कोड में से घटाएंगे। तो यहाँ पे शेष क्या बचा था? 0। 5 में 0 जोड़ेंगे क्या रहेगा? 5 ही। 5 मतलब शुक्रवार, यानी कि इसका आंसर होगा शुक्रवार। तो इस तरह से बनाते हैं, कितना आसान है फिर से समझिए। या महीना का अंतर है तो महीना का अंतर है तो उसके बीच का जो कोड होगा वो ले लेंगे। यहाँ अप्रैल पूरा महीना नहीं है क्योंकि अप्रैल का 20 ही दिन लेना है, तो 20 में भाग देंगे 7 से, 7 से भाग देंगे कितना बचेगा? 6। तो अप्रैल का कोड हो गया 6। बीच में मई पूरा आता है तो मई का कोड लेंगे 3, और जून में 5 तारीख तक ही लेना है तो 5, सबको जोड़ेंगे 14, और भाग देना हमेशा 7 से, तो 7 से भाग देंगे, शेष बचता है 0, कट जाएगा, शेष बचेगा 0। अब क्या करना है? जो दिन दिया रहेगा उस दिन के कोड में से जो है कोड में जो शेष बचेगा उसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कब? जब आगे का पूछेगा। यहाँ अप्रैल का दिया था, जून का पूछा है, तो दिन के कोड में जोड़ेंगे। जैसे इस सवाल को देखिए, यहाँ 18 सितंबर का दिया है और पूछा है मार्च का, सितंबर का दिया आप मार्च का ही पूछ दिया, तो पीछे का पूछ दिया, तो इस कंडीशन में जो दिन का कोड होगा उसमें से शेष को घटाएंगे। याद हो गया? जब पीछे का पूछेगा तो दिन के कोड में से शेष को घटाएंगे, आगे का पूछेगा तो दिन के कोड में जो है शेष को जोड़ेंगे। दूसरा सवाल ले लेते हैं, यहाँ कह रहा है 21 मार्च को शनिवार है, तो उसी वर्ष 13 सितंबर को, उसी वर्ष का है, महीना का अंतर है, यहाँ 21 मार्च है, इधर 13 सितंबर है, तो कौन सा दिन होगा निकालना है। देखिए 21 मार्च से आगे जा रहे हैं 13 सितंबर तक, तो 21 मार्च का दिया है, इसका मतलब मार्च महीना में जो 21 दिन बीत चुका है, तो मार्च महीना में टोटल कितना दिन होता है? 31 दिन होता है, और 31 में से 21 बीत चुका है, तो मार्च महीना में अब बचा हमारे पास कितना? 10 दिन बचा। अगर हम 10 में 7 से भाग देते हैं कोड बनाने के लिए, तो 7 एकम 7, तो शेष क्या बचेगा हमारा? 3। इसका मतलब हुआ यहाँ मार्च का कोड हम क्या लेंगे? 3। मार्च का कोड हो गया 3। मार्च के बीच में क्या आएगा? अप्रैल पूरा आएगा, अप्रैल का कोड क्या होता है? 2। फिर उसके बीच में मई भी आएगा पूरा, मई का कोड 3। जून भी आएगा ना, सितंबर तक जा रहे हैं, तो जून का कोड क्या होता है देख लीजिए? 2। फिर जुलाई भी आएगा पूरा, जुलाई का कोड 3। फिर अगस्त भी पूरा आएगा, अगस्त का कोड 3। बीच में जितना भी महीना पूरा पूरा आएगा तो उसका पूरा कोड लेना है, ये कोड लेना। अब 13 सितंबर, अगस्त के बाद आएगा सितंबर, सितंबर में तो 13 तारीख तक ही लेना है, तो 13 का कोड बनाते हैं, 13 में भाग देंगे 7 से, 7 2 14 हो जाता है, यानी शेष क्या बच जाएगा? 6। 13 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 6, यानी सितंबर का कोड हो गया 6। जो महीना पूरा नहीं रहेगा उसका कोड बना लेंगे 7 से भाग दे। अब इस सब को जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए। इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसमें जिसको जिसको जोड़ के 7 पूरता है उसको काट सकते हैं, 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा। देखिए कोई पूरता है नहीं, तो चलिए जोड़ ही देते हैं, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 16 6 कितना हो गया? 22। 22 में भाग देंगे 7 से, शेष बचेगा 1, हो गया। अब दिन कौन सा दिया था यहाँ? शनिवार। तो बताए थे कि आगे का पूछेगा तो दिन के कोड में से घटाएंगे, पीछे का पूछेगा तो दिन के आगे का पूछेगा तो दिन के कोड में जोड़ेंगे, और पीछे का पूछेगा तो दिन के कोड में से घटाएंगे। यहाँ देखिए किस में से पूछ रहा है, मार्च का दिया था और सितंबर का पूछ रहा है, मतलब आगे का पूछ रहा है
तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। शनिवार है, शनिवार का कोड क्या होता है, छः, और छः में जोड़ेंगे शेष को तो कितना हो जाएगा, सात, और सात मतलब क्या होता है, रविवार होता है। देखिए ऑप्शन में है कहीं रविवार, रविवार ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको इस तरह से बता रहे हैं। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसको जो है बिना लिखे भी कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं सेकेंड टाइप में से। 18 सितंबर को मंगलवार है, तो उसी वर्ष का पूछ रहा है 16 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो चलिए 16 मार्च, तो मार्च का कोड बनाते हैं। मार्च से आगे जा रहे हैं ना, यहाँ पे सितंबर से पूछा, सितंबर का दिन या मार्च का, तो मार्च से आगे का ही लेंगे। 16 मार्च तक तो बीत चुका है, 16 मार्च तो लेंगे नहीं क्योंकि इससे हमको आगे काम है। तो मार्च में नाम कितना दिन होता है, 31, 31 में से 16 घटा, 31 में से 16 घटाएँ कितना बचेगा, 11, 6, 5, 11, 2, 15 बच जाएगा। और 15 में अगर हम 7 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, शेष हमारा क्या बचेगा, 1, यानी मार्च का कोड हो गया हमारा 1। निकालिए मार्च का कोड। अब इसके बीच में क्या सब आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई, अगस्त। तो अप्रैल का कोड क्या लेंगे, अप्रैल का कोड 2, अप्रैल का कोड कितना होता है 2, मई का कितना हो गया 3, उसके बाद जून का कोड 2, जुलाई का कोड 3, अगस्त का कोड 3, और सितंबर में कितना तारीख तक है, सितंबर में 18 सितंबर तक है। तो 18 सितंबर से, तो 18 में भाग देंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा 4, यानी सितंबर का कोड हो गया 4। सबको जोड़ के क्या करना है, 7 से भाग देना है। इसमें जिसको जोड़ के 7 पड़ता है वो कट जाएगा क्योंकि 7 से भाग दे रहे हैं, तो ये इसको काट देते हैं, आसान रहेगा। 4 3 7 होता है, 3 2 5, 2 7, ये मिल के कट जाता है, 3 1 हो गया 4, शेष क्या बच गया। अब 7 से 4 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो शेष 4 ही ना आएगा, तो शेष आ गया 4। अभी देखिए इसमें पीछे का पूछा था, 18 सितंबर का दिन दिया हुआ था और पूछ दिया था 16 मार्च का। तो पीछे का पूछा, पीछे का पूछा बताए थे दिन के कोड में से घटाना है शेष को। तो यहाँ दिन का मंगलवार, मंगलवार का कोड कितना है, मंगलवार का कोड है 2, और 2 में से घटाएंगे 4, नहीं घटता है तो करना क्या है, इसमें 7 को बढ़ा लेना, 7 बढ़ा के तब घटा दें। क्यों बढ़ा देंगे 7, क्योंकि 7 से यहाँ भाग दे के कम किए थे, नहीं घटने लगेगा तो दिन के कोण में से घटाइए। 7 2 हो गया 9, 9 में से तो 4 घटेगा, सॉरी 9 में से 4 घटेगा, क्या बच जाएगा 5, और 5 कौन सा दिन होता है, 5 होता है हमारा शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप। चलिए अब देखते हैं तीसरा टाइप, तीसरा प्रकार का प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रकार का प्रश्न क्या, टाइप थ्री में क्या होता है, क्या पूछ रहा है 12 अक्टूबर 2000 को बुधवार है, तो 2015 यानी 12 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। यहाँ क्या है, वर्ष का अंतर, यहाँ 2006 दिया है, यहाँ 2015 दिया है, तो इसमें क्या होता है, वर्ष का अंतर होता है। तो वर्ष के अंतर में जो सवाल पूछेगा तो ये हो गया तीसरा टाइप। तो तीसरा टाइप कैसे बनाना है, देखिए यहाँ डेट सेम है और वर्ष का अंतर है, तो वर्ष में से वर्ष को घटा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से करना, 2015 है, 2015 में से 2006 को घटा लेना है, ठीक है। आप मौखिक भी कर सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, ये सब कट जाएगा, यानी 9 साल का अंतर है। तो क्या निकाल लेंगे, वर्ष का अंतर निकाल लेंगे, तो 9 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके और इसके बीच में देखना है, ये दोनों वर्ष के बीच में क्या ठो लीप ईयर है, उस लीप ईयर के लिए 1 लिखेंगे कोड उसका। तो देखिए 2006 तो लीप ईयर नहीं है, 2007 भी नहीं है, 2008 लीप ईयर है, और उसके बाद 2012 लीप ईयर है। तो जो लीप ईयर आएगा, जितना भी लीप ईयर आएगा बीच में, तो उसके लिए 1-1 कोड लेना है। तो इसके बीच में 2 लीप ईयर है, तो सीधा सीधा वैसे भी लिख सकते हैं कि इसके बीच में देख लेंगे क्या ठू लीप ईयर है, तो उतना जोड़ देंगे इसमें। जो अंतर आएगा वर्ष का, उस अंतर में क्या करना, जया गो लीप ईयर रहेगा उसको जोड़ देंगे। तो इसके बीच में 2 गो लीप ईयर है, तो 2 जोड़ दिए। अब इसमें जो है कुछ नहीं करना, भाग देना है 7 से, ठीक है। तो 9 2 हो गया 11, 11 में भाग देंगे 7 से, क्या हो गया 4, शेष बचा हमारा 4। अब देखिए आगे का पूछा, इसमें तो आगे पीछे कुछ पूछा ही नहीं, चलिए बुधवार है पूछा है
चलिए बुधवार है, 2006 का दिया था और 2015 का पूछा है ना। तो इसमें क्या किया है, आगे का पूछा है, तो बताए थे आगे का पूछेगा तो जोड़ना है, आप पीछे का पूछेगा हटाना है। बुधवार कोड क्या होता है, 3, तीन में क्या जोड़ेंगे शेष को, शेष जो है 4, तो 4 3 कितना हो गया 7, 7 किसका कोड है, रविवार का, तो इसका आंसर हो गया रविवार। तो इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया रविवार। तो वर्ष का अंतर वाला देखिए आप कैसे बनेंगे, क्या करना है, वर्ष में से अंतर घटा लेंगे, जितना ईस्वी दिया रहेगा ईस्वी में से ईस्वी को घटा लेंगे, जो बचेगा उसके बीच में जाएगा लीप ईयर रहेगा उसको जोड़ देंगे, 7 से भाग देंगे, बाकी प्रक्रिया सेम है। अब टाइप 4 में चलते हैं, टाइप 4 में क्या होगा, दिन माह और वर्ष तीनों का सम्मिलित अंतर दिया रहेगा। तो ये थोड़ा कठिन है लेकिन कठिन नहीं है, बनाने वाले के लिए कोई कठिन नहीं है, इसको समझना है ध्यान से, यही पूछता है परीक्षा में। अब यहाँ 25 जून 2010 को गुरुवार है, 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था ये पूछ दिया है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ष का अंतर तो है ही, साथ साथ यहाँ महीना का भी अंतर दे दिया है, यहाँ दिया था 25 जून, यहाँ दे दिया 1 जनवरी, महीना का भी अंतर यहाँ तो मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 25 जून का दिया हुआ है ना, तो 25 जून 2000 का निकालेंगे, सेम डेट का निकालेंगे, पहले 25 जून 2010 का दिया हुआ है तो 25 जून 2000 का हम दिन निकालेंगे, इसमें क्या दिया है गुरुवार, पहले हम सेम डेट का निकाल लेंगे, फिर जो महीना का अंतर है उसके लिए अलग से निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो अभी बताए तीसरा टाइप में कि जो वर्ष का अंतर वाला सवाल है, अभी देखो इसको हम तीसरा टाइप में कर दिए, अब वर्ष का अंतर वाला हम क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना बचेगा 10 साल का अंतर है, आ इसके बीच में क्या गो लीप ईयर है, तो 2000 ईस्वी के बाद जो है 2004 में आएगा लीप वर्ष और 2008 में आएगा, तो दो गो लीप वर्ष है, तो दो जोड़ेंगे और भाग देंगे 7 से, 10 2 हो गया 12, 12 में भाग देंगे 7 से, शेष क्या बचेगा 5, ठीक। अब दिन के कोड में से शेष को घटाएंगे क्योंकि पीछे का पूछा है, यहाँ 2010 का दिया है और यहाँ पे 2000 का पूछा है, तो पीछे का पूछा है तो दिन के कोड में से घटाएंगे। दिन का कोड देख लेते हैं कितना है, कौन सा दिन दिया हुआ, गुरुवार, गुरुवार का कोड कितना है 4, अब 4 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम 7 जोड़ लेंगे क्योंकि 7 भाग देके घटाते रहते हैं, तो 7 4 हो गया 11, 11 में से हम घटाएंगे किसको 5 को, शेष कितना बचा था 5, तो 11 में से 5 गया कितना बचा 6, 6 क्या होता है शनिवार, इसका मतलब ये हुआ कि सारा करने के बाद क्या हुआ कि हमारा निकला 25 जून 2000 को क्या था शनिवार था। तो ये तो निकल गया सेम डेट वाला का, लेकिन पूछता तो ये नहीं है, पूछा तो 1 जनवरी का, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ बना देता हूँ, अब हमको ये पता चल गया है कि 25 जून को क्या था, 25 जून 2000 को क्या था शनिवार था। अब उसी वर्ष यानी 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा ये हमको निकालना है। तो अब तो उसी वर्ष में आ गए, तो अब हम महीना का अंतर वाला सवाल में आ गए, तो इसको बनाते हैं। तो 1 जनवरी के बाद जाना है 25 जून तक, तो 1 जनवरी महीना कितना दिन हो जाएगा, 1 जनवरी तो बीत गया, 1 जनवरी ले लिया है, तो जनवरी महीना में कुल कितना दिन 31 दिन, तो 31 में से 1 चल गया तो बचा 30, 30 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 2, यानी जनवरी का कोड हो गया 2। फरवरी जो है 2000 क्या है लीप वर्ष है ना, तो लीप वर्ष है तो इसलिए इसका कोड फरवरी, यानी इसके बीच में लीप ईयर गिन लीजिए सीधा, तो नहीं फरवरी का कोड क्या हो गया 1, 1 क्यों लेंगे क्योंकि लीप वर्ष है। अब इसके बीच में कौन सा महीना आएगा मार्च, जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल ये सब आएगा ना, तो फरवरी के लिए ले लिए 1, मार्च के लिए 3, मार्च का कोड 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का जून महीना में पूरा नहीं है 25 तारीख तक ही है, तो 25 में 7 से भाग देंगे 7 3 21 शेष बचेगा 4, यानी जून का कोड हो गया 4, अब भाग दे दीजिए 7 से। चलिए तो 2 1 3 या इसमें बताए थे जिसको इसको जोड़ के 7 पुरता है उसको काट सकते हैं, तो 4 3 7 पुर जाता है, 3 2 5 और 2 7 ये पुर जाता है, तो शेष कितना बच जाएगा 1, 7 से 1 में भाग नहीं लेगा शेष 1 ही बचेगा, तो शेष हो गया 1।
तो अब क्या करते हैं, दिन के कोड में से घटाते हैं शेष को। क्यों घटाएं? क्योंकि पीछे का पूछा है, यहाँ जून का दिया था, जनवरी का पूछा है। तो दिन का कोड कितना है? शनिवार दिया हुआ है ना, तो शनिवार का कोड क्या होता है? 6। उसमें से शेष को घटाएंगे एक को, तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। 5 हमारा क्या होता है? शुक्रवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शुक्रवार। तो इस तरह से आप कैलेंडर रीडिंग को आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पूरा देखने के बाद इसको आसानी से बना सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, सारा रीजनिंग बताएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारा जानकारी आपको मिलता है।